तब्बू जी, आपके अनुसार आपकी फिल्म में मर्द कौन है, कुत्ते कौन है, छोटा कौन है, बड़ा कौन है, महा कौन है, अगर आप बता सकें। सर ये फिल्म के कैरेक्टर्स के बारे में नहीं था, ये जनरल के बारे में। तो इन जनरल बता दीजिए कि आप किसे मानती हैं, कि मर्द कौन है, क्योंकि आपने बताया कि मर्द आजकल दिखाई नहीं देते। ये सवाल स्टैंडिंग ओवेशन भाई के लिए, इसलिए छुप के पूछा ना ये सवाल। लाइट्स के आड़ में छुप रहे हो, ये सवाल पूछ। कुछ तो बताइए, आपने डायलॉग बहुत ही अच्छा बताया। उस दिन हमसे ये सवाल पूछ रहे, गलत बात। तब्बू जी आई थिंक कुछ कहना चाहती है। नहीं सर, सर ये एक डायलॉग है, जाने दीजिए ना प्लीज। लेकिन आपके दिल में कुछ तो है जो आप कहना चाहती है, और मैं आपको बताऊंगी। आपको इनके दिल की बात समझ आ गई? हाँ, थोड़ी बहुत पढ़ाई तो फिर क्यों पूछ रहे, समझ गए ना, समझ लो। नहीं, आपके दिल में कुछ तो। चलो We'll take आखिरी के सवाल। जी, चलो। Here we go introducing the kuttas, ladies and gentlemen. Let the kutta pun begin. ये क्या है? ये क्या हो रहा है? Here we go. Dang, dang, dang. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Radhika Madan, the beautiful Taboo is here. Arjun Kapoor, Shardul, and of course, Konkana Sen Sharma. Ek baar zordar taaliyan ho jaye, come on. Lovely. All right, go click, 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 and then we'll take this again. मुझे ये बोलो, you know, 10 साल हो गए, every single time हमको पता है कि versatility का ठप्पा लग रहा है अब, और वो साथ ही experiment करने से कभी आप हिचकिचाए नहीं हो, you've always, you know, done films that are different. क्या रहता है दिमाग में कि ऐसे ही कुछ करके लोगों का दिल जीतना है? पहले तो यार ऐसे स्टेज पे मुझसे पहला सवाल पूछ रहा, बहुत अजीब लग रहा है जब इतने सारे अनबिलीवेबल कलाकार साथ में। थैंक यू फॉर दैट। आई थिंक जब मैंने शुरुआत की थी पता नहीं था क्या होगा, आज 10 साल बाद आई वुड लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी। ये फिल्म जब मेरे पास आई थी तब पहला लॉकडाउन चल रहा था और हमने बात चालू की थी, तो आसमान एंड विशाल सर, वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस, एंड फ्रॉम देयर टू टुडे टू बी एबल टू जस्ट सी इट, आई एम अ लिटिल ओवरवेलम्ड बाय द फैक्ट कि ये फिल्म एक्चुअली हम अच्छी तरह बना पाए, इस तरह बना पाए, लव उसमें शामिल हुआ, लव फिल्म शामिल हुए, भूषण सर शामिल हुए, इतने सारे अच्छे एक्टर्स आए। एज एन एक्टर आई थिंक 10 साल बाद अगर मैं ये महसूस कर सकता हूँ दैट आई कैन बी पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग ऑनसॉम एंड वर्क विद सच अमेजिंग एक्टर्स, मोस्ट ऑफ देम फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर मी आई थिंक इट्स जस्ट इट्स अ वेरी वेरी बिग टिक मार्क इन माई बकेट लिस्ट ऑफ बींग एन एंटरटेनर एंड परफॉर्मर एंड द क्वेस्ट टू बी अ बेटर एक्टर। यू नेवर स्टॉप लर्निंग इन दिस प्रोफेशन, सक्सेस फेलियर हमारे हाथ में कभी होता नहीं है, लेकिन लर्निंग होती है। my choice to do this film was to get out of my comfort zone, mainstream cinema aur off cinema aur ye sab cheezon se pare hat ke I just wanted to do something that really excites me and makes me nervous. I was very nervous about sharing screen space with such amazing actors and doing a film which is perhaps not as mainstream as what people are used to seeing me do. So I'm just really really happy and grateful that this film has become a reality, and the fact that I seem like I fit in the trailer really nicely with such good actors and I look the part. And full credit to Aasman for believing in me, for the way he designed the look, for the way he's made the film, and just having this amazing team. I think it was on my bucket list to have Gulzar Saab name attached to my one of my films, to have that, to work with Vishal sir, to be able to share screen space with Taboo, Konkana, Radhika, Kumud sir, Naseer sir, Shardul. For me, it's just, I think if I can sum it up, I think Kutte is a journey of 10 years of hard work to find my own groove. Right. And my own niche as an actor. So I'm really, really proud and happy to do this film. And that groove is there now. So yeah, Taboo, aapke liye jo sawal hai, see, we've seen you kill it every single time you've been on the big screen. Lekin abhi wo box office queen ka cheez, because see, we can't deny it. पिछले साल एक साल के अंदर दो दो 200 करोड़ की फिल्में, अब ये तीसरी की ओर हम जा रहे हैं, what do you have to say on that? भूषण जी की है वो फिल्में दोनों। मैंने सिर्फ उसमें एक्टिंग की। So what do you have to say? Because
credibility has always been there. You of course we know you're a brilliant actor, lekin ab wo box office moola and everything, people are talking about that, so you have to say something about that. What can I say? So you're happy, right? Of course I'm very happy. First of all, thank you very much for being here, and thank you for being part of this whole journey that we've completed today. Thank you for the love that everyone gave me for Bhool and Drishyam. I really hope Kutte gets a lot of love also from everybody. Absolutely. And I'm just happy that I've been part of two successful films, and it's everybody's success. Absolutely. Congratulations on those two films. And of course, इसके लिए भी अभी से ज़्यादा कुछ सवाल नहीं पूछूंगा. आँखों में खुंखारियत देख रहे हो आप लोग? नहीं. आपने पिक्चर का डायलॉग सुना ना? मैं वही छोटे बड़े और महा महा जी, मैं बस दूर हो गया. नसीर सर, दिस वन्स फॉर यू. प्लीज टेल अस, यू नो, व्हाट मेड यू से यस टू दिस फिल्म? आसमान, यू नो, ऑफकोर्स प्रोमिसिंग डायरेक्टर विशाल सर, द अमेजिंग टीम हियर, व्हाट मेड यू से यस टू दिस? It was because of Aasman. I didn't know the the cast, in fact, when I read the script. Right. It definitely excited me, and the fact ki mera sirf do din ka kaam tha, which I'm very grateful for. Aur Vishal ne kameene banayi, Aasman ne kutte banayi. Main ummeed karta hu ki agli film ka naam hoga Khoon Pi Jaunga. Haan, main tera khoon pi jaunga. Thank you so much, sir, for sharing that. Lo, threequel bhi mil gaya yahan pe. Script. Yeah. It's a superb script. It's so modern. It's so unlike, you know, things that one normally reads. I had to read it a couple of times to even understand. Achha, iske baad ye, achha, wo bhi ho raha hai, ye bhi ho raha hai. It's a really complex, interesting, and it's a really smartly written film. So obviously, I was very happy to be in it. And wonderful cast, wonderful crew, really exciting. Those lines you're saying, it was one long, long Hindi lines which I had to learn. I was so nervous. But, I knew I would be in very good, very safe hands. So, I'm very pleased. Thank you. Koi bakri nahi, koi kuch nahi, sab sher dikh rahe udar screen. Absolutely. Kumud sir, you worked with some wonderful, wonderful people in the industry. Here, jo humne trailer mein bhi dekha, wo jitne parts mein jaise aaya hai. You know, if you have to talk about this young director here, what would you say? Jis tarah se dikhaya hai sab kuch. मतलब स्क्रिप्ट बहुत कमाल की थी, डायरेक्टर कमाल के हैं, अद्भुत हैं, मजा आया. मजा आया बहुत, हमें भी बहुत ज्यादा मजा आया सर. पिक्चर में भी इतनी लगी. ये पहले एक्टर जो आके बोलते थे सर आप बोल दीजिए, बोलता था पर आपके कैरेक्टर के नहीं सर आप बोल दीजिए चले. सर बढ़िया है ये भी. राधिका फॉर यू, आपकी तो लाइनें थी, बताओ वो जो, और स्पेशली वो जो एक सीन अभी हमने देखा ट्रेलर में, उन्हें किल कर दिया. यू हैव टू रेप्लिकेट दैट फॉर ऑल ऑफ अस. देखो कैसा हुआ एकदम. नहीं फिर मूवी में क्या मजे आएंगे फिर. How was it working with this amazing, amazing cast, the amazing team here? I couldn't believe it for the longest time. मुझे actually इन्होंने एंड में ही बताया था कि कौन कौन है, तो मैंने बोला क्या, तबू मैम भी है, नसीर साहब भी है, कौन सर भी है, अर्जुन है, कौन कौन और. I was like really surprised and very, very nervous. But like this is my second time working with Vishal ji, and like Vishal ji, Rekha ma'am and Aasman, they're like my family, so I feel so comfortable around them. I can be nervous in front of them, I can break down in front of them, I can show my excitement, I can do whatever I want to do because they are my home here. So it was such a privilege, and it felt personal because it was Aasman's first film. So when something feels personal to you, aap apni aur jaan maar dete ho. आप बिल्कुल होल्ड बैक नहीं करते हो कि नहीं चलो मेरा ये है, मैं आराम से इजी करूँगी, मैं बोलूँगी नहीं नहीं क्या और क्या कर सकते हैं, बिकॉज उसकी सक्सेस मेरी सक्सेस बन जा रही है. सो बहुत मज़ा आया इस जर्नी में. ही इज़ रिटन अ ब्यूटिफुल स्क्रिप्ट, ही इज़ डायरेक्टेड सो वेल. आई फील अ सेंस ऑफ प्राइड, आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे ऐसा लगता है कि आसमान ने बना दी. मुझे लगता है बिकॉज आई हैव सीन हिम इन पटाखा, एंड तो सच में पटाखा निकला. हाँ सच में पटाखा निकला. सो इट वॉज अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल जर्नी, एंड आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई गॉट टू बी अ पार्ट ऑफ इट.
बस आसमा इसके बाद आपके पैर छुके ऐसे ना कर दें, बस वो मुझे रोकना पड़ेगा. शार्दुल फॉर यू हाउ वाज इट यू नो वर्किंग विद दिस एंटायर टीम एंड एज वी सेड यू नो वो पहले लुक से लेके अब तक यू आर देयर. सो नो नो आई वाजंट एनी देयर, आई वाज नर्वस, आई एम स्वेटिंग बट बेसिकली एट स्टार्ट. सो विशाल जी कॉल्ड मी वन डे एंड वी हैड अ ब्रीफ कॉन्वर्सेशन अबाउट अ फिल्म दैट आई डन अर्लियर व्हिच ही हैड सीन. सो ही कॉल्ड मी एंड ही वेरी स्वीटली आस्क्ड मी बेटा एक फिल्म है करोगे? तो मैंने थूक गटका. मैंने कहा जी जी बिल्कुल. तुरंत जी बोलता तो खराब लगता. मैंने कहा थूक गटक के पॉज के साथ मैंने कहा जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. And then when I came, so the thing is like when you do films like these, more, I mean, of course, everyone has been talking about how Asman wrote the film, things like that. But me and Asman have grown to be personal friends, you know, we can chill beyond work. And that kind of gaining of friends is maybe the most valuable thing that you get out of these things. Yeah. Thank you so much, Shardul, for sharing that. You know, this is out of syllabus for me. जो मैं अब कर रहा हूँ ये थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस है. स्टेज पे आएंगी वो जरूर बाद में, लेकिन उससे पहले रेखा जी यू नो देयर ही इज, है ना, यू हैव टू से समथिंग अबाउट दिस. ऑफ कोर्स आई एम गोना इनवाइट यू ऑन स्टेज, लेकिन उससे पहले अभी ट्रेलर देखा, सामने खड़ा है आसमान, व्हाट डू यू हैव टू से? क्या कहूँ, आई एम प्राउड ऑफ हिम, आई एम प्राउड टू बी हिज मदर एंड आई रियली लव हिम, आई कांट बी हैप्पी अबाउट दिस. अभी सच बताइएगा, वहां वो और वो जब दो खड़े, इफ यू वर टू चूज, आई एम जस्ट सेइंग, ऐसे ही बड़ा आसान सा सवाल है, इफ यू वर टू चूज कि हाँ यार ये बढ़िया डायरेक्टर, ये बढ़िया, व्हाट डू यू हैव टू से? देखो पॉसिबल ही नहीं है ना, वो है उनकी वजह से, चूज करने की कोई सवाल ही नहीं आता. बाकी जो विशाल से पूछोगे तो बेहतर होगा. तो मैं वही जा रहा हूँ, विशाल सर के पास ही आ रहा हूँ, और इन्होंने इनडायरेक्टली बोल दिया हट कुत्ते. तो दैट्स ओके. विशाल सर, यू नो अ प्राउड सन सामने आपके, ऑफ कोर्स एज अ प्रोड्यूसर, एज अ फादर, व्हाट डू यू हैव टू से? मेरे लिए बहुत मुश्किल काम भी था, आसान भी था, क्योंकि आसमान को समटाइम्स आई हैड टू बी ए फादर, समटाइम्स आई हैड टू बी ए राइटर, समटाइम्स आई हैव टू बी ए प्रोड्यूसर. सो वो बड़ा तीन रोल मेरे एक साथ मिक्स होते थे उसमें, और आसमान उसका कभी फ़ायदा उठाता था, कभी मैं भी उसका फ़ायदा उठा लेता था. सो एज ए राइटर, या सबसे ज़्यादा टफ टाइम आसमान ने मुझे एज डायलॉग राइटर दिया है इसमें, okay. वो उसमें सबसे ज़्यादा टफ टाइम दिया. पर आई थिंक बड़ा मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं इस फिल्म का, मैंने कसम खाई थी कि मैं इस फिल्म की शूटिंग पे मैं एक दिन भी नहीं जाऊँगा. तो मैं बहुत नर्वस रहता था कि यू नो, और मैं जाना चाहता नहीं था इसी वजह से कि यू नो, कि कोई यू नो, कि ये ना लगे कि मैंने कुछ भी इस फिल्म में डायरेक्टोरियली किया है. तो जब आसमान का जब मैंने काम देखा और जब मेरे रशेज आने शुरू हुए, आई फेल्ट वेरी नाइस एंड वेरी हैप्पी एंड आई एम थैंकफुल टू ऑल माई फ्रेंड्स हु आर स्टैंडिंग देयर. दे ऑल यू नो, दे यू नो, उनकी वजह से ये सब काम हुआ है कि उन्होंने आसमान को ट्रस्ट किया, प्यार दिया इतना. और एज ए आई थिंक फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर इस तरह का अचीव कर लेना, इस तरह के लोगों के साथ काम कर लेना और इस तरह का काम अचीव कर लेना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है. एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट. आसमान, अक्सर ऐसा हुआ होगा, एक प्राउड बेटा जो होगा ना, उसने अक्सर अपने डैड के काम की बात की होगी, बट आज यहाँ पे अ प्राउड फादर टॉकिंग अबाउट हिज सन, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस एंटायर थिंग एंड फर्स्ट मूवी डायरेक्टिंग दीज वंडरफुल वंडरफुल पीपल, द स्टॉलवर्ट्स ऑफ द इंडस्ट्री, प्लीज कुछ बताइए. जी हाँ, मेरे पास कुछ है नहीं कहने को ऐसा. आई एम जस्ट वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल के मुझे अपॉर्चुनिटी मिली एंड आई एम जस्ट वेरी हैप्पी कि ऐसे लाइक मेरा सपना पूरा हो गया. तो सपना तो माँ बाप का भी पूरा हुआ भाई, और बाकी सब का भी, पूरी इंडस्ट्री का पूरा हुआ आई एम श्योर यहाँ पे, बिकॉज जो भी हमने इस बड़े पर्दे पर देखा है तारीफ के काबिल है, और इसीलिए इतना सारा प्यार यहाँ पे सबकी तरफ से मिल रहा है. एक बार जोरदार तालियां हो जाए फिर फॉर दिस अमेजिंग अमेजिंग टीम. वी हैव अ क्विक फोटो ऑफ लेटर, लेकिन उससे पहले इट्स टाइम फॉर योर क्वेश्चंस. सो यस शूट, कहाँ से आ रहा पहला सवाल? मैम, हाँ, कम टू यू. हेलो, दिस इज तनु फ्रॉम नव भारत टाइम. मैं सबसे पहले नसीर सर से कहना चाहूँगी कि मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ इजाज़त की. आई डोंट नो, मुझे रोना आ रहा है आपको देख के, बट बहुत बड़ी फ़ैन हूँ मैं आपकी एंड आई अडोर यू सो मच.
Okay, thank you very much. That's, but what's your question? मेरा क्वेश्चन आसमान के लिए है कि मम्मी आपकी इतनी बड़ी सिंगर हैं, पापा इतने बड़े डायरेक्टर हैं जिन्होंने हैदर जैसी फिल्म दी है, क्या प्रेशर होता है आपके लिए कि ऐसे मम्मी पापा हैं, क्या क्या लेगेसी कैसे कंटिन्यू करनी है? जी, लेगेसी तो कंटिन्यू करने की बात नहीं है, मुझे बस एक ही चीज़ सिखाई गई है कि जो कर रहा हूँ वो मैं पूरे दिल से करूँ और जो मुझे मुझे जो लगता है कि मुझे देखना है या अच्छा है मैं वो करूं, बस उससे फिर जो होगा होगा। ऐसा मेरा कोई गोल नहीं है कि ये करना है वो करना है, मुझे अच्छा काम करना है बस। अर्जुन, योर सेंटर। सबसे पहले तो पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ट्रेलर बहुत ही अच्छा है। अर्जुन, आपसे सवाल ये था कि फिल्म में बहुत अच्छा आपका काम दिखा है, राहुल फ्रॉम द फिल्मी चर्चा। रिसेंटली एक फिल्म आई थी भेड़िया आपके करीबी मित्र के, बॉक्स ऑफिस पे तो काफ़ी आऊँ आऊँ हुआ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे। क्या हुआ? आऊँ आऊँ भेड़िया की आऊँ आऊँ हाँ हाँ बॉक्स ऑफिस पे। तो आपकी फिल्म अभी कुत्ते आई है, आपको कितनी उम्मीदें हैं कि बॉक्स ऑफिस पे वाँ 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 की कुत्ते की भौकाल मचेगी? सर, आप पहले डबिंग आर्टिस्ट थे क्या? नहीं नहीं, मेरे से बेहतर आप हो सकते हैं क्योंकि आप फिल्म के लिए डबिंग करते हैं। इसके बाद एनिमल भी आ रही है तो रणबीर के लिए क्या आवाज़ निकालेंगे आप? उसके लिए आगे सोचेंगे, अभी फिलहाल कुत्ते की बात करते हैं। कुत्ते की बात हो रही है, पता नहीं यार, आहू आहू और वाह 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 का पता नहीं, बट यार मैं ये मानता हूँ पिक्चर चलनी चाहिए, मैं ये उम्मीद रखता हूँ। मेहनत की है, सब करते हैं, भेड़िया में भी उन्होंने की थी। आई वुड होप दैट दिस फिल्म इज़ अप्रिशिएटेड, दिस फिल्म इज़ लाइक्ड, एंड इट्स अ फिल्म दैट देयर इज़ बीन chatter and conversation about doing something that is not typical, that is not conventional, that has a thrust of content, story, twists, turns, performance. So for me, this film falls in that category, and I'm very, very happy to see the film on the big screen today, the trailer. It feels like a big screen film to me, and that's what excites me about this film. And that's all that I can say about my own film. Mein kisi aur, mera dost hai Varun, uski film lagi, uske baare compare karna yaar, wo waise bhi ajeeb cheez hoti hai. You should never compare yourself. Sabki journeys aur hoti hai, sab films ki destiny aur hoti hai. I would like to focus on Kutte and say that I'm very, very proud and happy of it. And I hope people like the film. It's a very, very well-made film. It's a film that's there for today's generation to come to the theaters and enjoy it. Vishal ji, mera sawal aapse hai. आपकी जो राइटिंग है वो बिल्कुल अलग तरह की होती है। हमने हमेशा देखा आप अपने आप को ही चौंकाते हैं हर फिल्म में। इस फिल्म की बात करें, और मैं प्रकाश झा की एक फिल्म का रेफरेंस देना चाहूँगी जो चक्रव्यूह थी, और वो इससे बिल्कुल अलग फिल्म थी, लेकिन उसमें भी जंगल था, उसमें भी नक्सलाइट्स थे, लेकिन वो जो फिल्म थी वो जंगल के कुछ सवाल छोड़ जाती है। तो क्या इस फिल्म में जैसे दिखाया गया है कि लुटेरे हैं सारे एक्सप्लॉइट करने आए हैं, क्या जंगल के भी कुछ सवाल उठाए गए हैं? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि राइटिंग में या फिल्म मेकिंग में जब तक आप थोड़ा सा स्क्रैच नहीं करेंगे सरफेस को तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये मेरा मानना है। तो इसमें जो भी जितना भी फन है, जितना भी फ्रॉलिक है, जितना भी वायलेंस है या जो भी मज़ा है, उसके नीचे एक बात कहने की कोशिश भी की गई है। एक्चुअली ये विशाल जी के फिल्मों से बिल्कुल अलग है, इसमें कोई कंपैरिजन ही नहीं है। आसमान बहुत अलग तरह का फिल्म मेकर है। ऑफकोर्स थॉट और एस्थेटिक और कई चीज़ें विशाल जी से मिलती जुलती हैं, लेकिन इनका सिनेमा भी अलग है। तो आपने कैरेक्टर देख के आपको लगा होगा कि मतलब मेरे लिए भी बहुत अलग था ये करना और ये अदा करना। एक्चुअली दिस कैरेक्टर वॉज रिटन फॉर अ मेल। एक्चुअली ये कैरेक्टर मेल एक्टर के लिए लिखा गया था, तो मतलब मुझे हाँ फिर चेंज कर दिया मेरे लिए। और मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग और फन दोनों है ये कैरेक्टर को अदा करना। और एक्चुअली मेरे लिए घर जैसा भी था, क्योंकि अभी
आसमान को, मैंने जब आसमान पैदा हुआ था मुझे वो याद है, मुझे याद है कि गुलजार साहब ने इसका नाम आसमान रखा था, और मुझे याद है कि मकबूल के सेट पे, मकबूल के सेट पे वो छोटा सा था, लकड़ी का कैमरा लेके घूमता था. सो फॉर मी कमिंग फ्रॉम देयर, एंड जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे भी जैसे कोंकणा मैम को लगा कि ये क्या, मतलब ये मतलब कुछ अलग टाइप की राइटिंग है, यू नो. तो कैरेक्टर भी बहुत अलग है, जितना मैंने रिसेंटली किया उससे बहुत अलग है. तो आई डोंट नो, देखिए कुछ मेहनत तो की है. कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट थी, हमने सोचा वो कैरेक्टर ऐसा बोलती होगी, वो ऐसा सोचती होगी, उसका वो कुछ अलग मिट्टी की बनी हुई है, तो उसके लिए आई थिंक ठीक था. हेलो टाबू मैम, टुवर्ड्स योर लेफ्ट, रसल डिसिल्वा फ्रॉम पीटीआई. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू सी यू ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन. वुड यू ऑल्सो से, आई फील दैट, बट वुड यू ऑल्सो से दैट विशाल जीज फिल्म्स गिव यू द योर टफेस्ट कैरेक्टर्स ऑन स्क्रीन? द मोस्ट कॉम्प्लेक्स फॉर श्योर, ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, एंड I think the creative exchange I have with him is different from what I have with others. I have a lot of creative freedom when I'm working with him, also with Asman. So the journey is different, and I enjoy the characters tremendously. Tabuji, one more question. A lot has been spoken about your box office this year. It has been a journey of decades on screen, but does it feel still? Does it feel an achievement? You have had box office hits in the past, but at this stage of your career, giving these huge grosses, the blockbusters, does it feel a new sense of achievement? I feel, first of all, it's the entire film's success rather than just one person's success. I have been an important part of both the films, but the success and the joy is shared with everybody who's involved in the film. There's tremendous happiness for the film and what the film has achieved, and for everybody involved in the film, because everybody works hard on a film and everybody deserves a share of the success, you know. So in that way, I feel that, yeah, I feel like a huge responsibility that I have fulfilled if the film has done well, because, you know, somewhere I feel I've been a part of that. Tabu, one question from here. Tabu, this side. Yeah. Last time at a press conference, you said, we asked you, a film can never be, Vishal's film can never be complete without you. And yes. Yeah. Kofia me, I think, yeah. And now with Asman, you're starting with him. I mean, comparisons are inevitable. So what differences and similarities you find in the father-son duo? There is no way that they can be so drastically different from each other. There is a thread that binds them together, that defines who they are, and that defines my relationship with them also. But in many ways, they are different. You can't compare, actually. Asman is still young. It's his first film. So I don't think there can be any comparison. Similarities. I have the same love for both of them. Hi, this is Avinash from Hindustan. Over here, in your center. First of all, congratulations. Trailer looks so promising. My question is for Baba. 10 साल दमदार हो चुके हैं, दमदार 10 साल हो चुके हैं. आप हमेशा कहते हो कि हर बार कुछ ना कुछ नया सीखते हो as a person, as an actor. कुत्ते के बाद क्या बदला है, क्या सीखा है एज एन एक्टर एंड एज अ पर्सन? नहीं, वफादारी बहुत पहले सीख गया था, कुत्ते करने की जरूरत नहीं पड़ी. आवाजें निकालना आज से सीखना चालू करूंगा, तो वो एक नई चीज है, मार्केटिंग से चालू होगी. हाँ, मैं पहले रिहर्सल करना चाहूंगा, फिर आप लोग सिखाना, मैं सीख जाऊंगा. सारे अपने पैप बॉयज जो है सब सिखाएंगे मुझे. आहू आहू वैसे भांगड़ा का वो. हाँ, वो आहू आहू, तो उसके लिए इम्तियाज को फोन करना पड़ेगा, वो आहू आहू. बट नहीं, इन ऑल सीरियसनेस,
या एवरी फिल्म टीचर्स यू नो मैंने एक चीज़ सीखी है सीरियसली बोलूँगा अपने घर पे बैठ के एसी ऑन करके नरेशन नहीं सुनना चाहिए बिकॉज ये पिक्चर ओनली नाइट्स में शूट हुई है मुझे रोज़ बारिश में भिगाया गया है और ऐसी ऐसी जगहों पे जाके शूट कराया जहाँ पे आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ता है शूटिंग इन द रेन शूटिंग नाइट्स एंड टू शूट एक्शन एंड टू शूट दिस काइंड ऑफ केओस आई थिंक द वन थिंग आई लर्न इन दिस फिल्म इज टू हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस एज एन एक्टर यू गेट यूज टू डूइंग लाइटर फिल्म मोर फन फिल्म वे थिंग्स आर अलाइंड वी हैड टू बी वेरी वेरी कॉग्निसेंट ऑफ द ऑनसॉम बहुत सारे सीन्स में बहुत सारे एक्टर्स हैं बहुत सारी चीज़ें हैं एक ठहरा वाना सेट पे एज एन एक्टर यू नीड टू बी वेरी काम कंपोज एंड यू नीड टू बी एबल टू टेक द सर्कमस्टांसेस दैट आर अराउंड यू एंड स्टिल बी एबल टू एक्ट एंड परफॉर्म एंड प्ले द कैरेक्टर सो आई थिंक दिस फिल्म अलॉन्ग विद ऑफकोर्स यू लर्न विद एवरी एक्टर यू वर्क विद बट फॉर मी पर्सनली इट वॉज अ बिग टेस्ट आई यूज टू मैं हमेशा कहता था यार मुझे नाइट शूटिंग बहुत पसंद है मुझे नाइट शूटिंग बहुत पसंद है जब इसने नरेट की थी मैंने कहा हाँ ये तो हो जाएगा यार नाइट शूटिंग है माइंड ब्लोइंग मजा आएगा But then you realize, you know, to shoot in the rain, to shoot action, to have this kind of intensity, it is very, very mentally exhausting. You still need to stay very focused. So for me, that was a big learning. And I think sometimes you cannot let the physical problems come in the way of being switched on when the camera rolls. जब ऑनसॉम फिल्म होती है आपको पता नहीं आपका शॉट कब लगेगा आप किस शॉट में क्या कर रहे हो यू नीड टू बी अवेलेबल एंड द अवेयरनेस हैज टू बी देयर ऑफ द सीन सो आई थिंक टू बी स्विच्ड ऑन रिगार्डलेस ऑफ द फिजिकल कंडीशंस एंड द शेयर टॉर्चर ऑफ शूटिंग इन वेरी वेरी स्ट्रेंज लोकेशंस वी हैड टू चूज सो एंड इन द कोल्ड एट नाइट एंड या आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट थिंग फॉर मी एज एन एक्टर आई थॉट आफ्टर 10 इयर्स इट विल बी इजी It actually felt a little tougher because you kind of got used to things falling into place for you and here I had to rejig that mental mindset, yeah. Wait, it'll just get harder and harder. Yeah, I didn't want to say that but it does feel like I was telling her that day only. I said, ab night shooting mein wo baat nahi rahi yaar. Naseer ji, my question to you, you said you worked only for 2 days but in these two days you must have definitely left an undying impression. What do you have to say? Well, I hope so. You must have nailed it. I don't know. That's for you, for the audience to decide. But for me, it was an emotional decision as well, because I've known Asman since he was that big. He's not much bigger now, but he's grown over here, and I felt very very proud working with him. कुमुद जी आपके बिना भी कोई भी फिल्म कंप्लीट नहीं होती क्या कर रहे हैं इसमें आप कुछ बताएंगे अपने डायलॉग मुझे दे रहे हैं उसके अलावा ऐसी गलतफहमी नहीं है लेकिन अभिनय कर रहा हूँ कोशिश कर रहा हूँ सही हो जाए और आसमान की गाइडेंस थी ज़बरदस्त और इतनी क्लैरिटी थी जो ये कर रहे थे तो हमारा काम अभिनेता के तौर पे आसान हो जाता है बस मैंने वही किया है शुक्रिया तब्बू जी टू मोर क्वेश्चंस ओके दो आखिरी सवाल जी तब्बू जी आपके अनुसार आपकी फिल्म में मर्द कौन है कुत्ते कौन है छोटा कौन है बड़ा कौन है महा कौन है अगर आप बता सकें सर ये फिल्म के कैरेक्टर्स के बारे में नहीं था ये जनरल के बारे में तो इन जनरल बता दीजिए कि आप किसे मानती हैं कि मर्द कौन है क्योंकि आपने बताया कि मर्द आजकल दिखाई नहीं देते ये सवाल स्टैंडिंग ओवेशन भाई के लिए इसलिए छुप के पूछा ना ये सवाल लाइट्स के आड़ में छुप रहे हो ये सवाल पूछ कुछ तो बताइए आपने डायलॉग बहुत ही अच्छा बताया उस दिन हमसे ये सवाल पूछ रहे गलत बात तब्बू जी आई थिंक कुछ कहना चाहती है नहीं सर ये एक डायलॉग है जाने दीजिए ना प्लीज लेकिन आपके दिल में कुछ तो है जो आप कहना चाहती हैं और तो... मैं आपको बताऊंगी आपको इनके दिल की बात समझ आ गई हाँ थोड़ी बहुत पढ़ाई तो फिर क्यों पूछ रहे हो समझ गए ना समझ लो मैं आपके दिल में कुछ तो चलो We'll take आखिरी के सवाल जी संजय पूछो विशाल कम टू यू मैं कह रहा था कि आपके साथ इस समय हर कोई काम करना चाहता है हमेशा से और क्या बात कर रहे हैं बहुत उससे सुनती है क्या पसंद आता है क्या नहीं तो यहाँ पर आपने कहा कि मेल रोल था जो आपके लिए था बिल्कुल भी वो वैसा नहीं था हमने जब लिखी थी तब मैंने सोचा था मेल
बाद में जब मुझे लव भी वगैरह से आया कि फीमेल क्यों नहीं, मैं सबसे पहले मैं जंप किया कि बिल्कुल मैं मतलब टबू मैम के साथ कौन नहीं काम करना चाहेगा, तो ऐसा नहीं किया था मैंने, उनकी वजह से नहीं किया था, मैंने खुद के सेल्फिश रीजन के लिए किया था कि उनके साथ काम कर पाऊँ. थैंक यू जी. वन लास्ट क्वेश्चन. Hi, Asman, towards you. We'll take one last question from there. Ji, boliye. From Midday. On your first film, how do you direct actors? I mean, especially when you have somebody like Naseej sir, Konkana, Tabu, like how Tabu knew you, like when you were so young. How do you, like, I really wanted to understand, how do you direct stalwarts like them who also older than you? So how do you approach them on set? मैंने फिल्म स्कूल में गया था न्यूयॉर्क में, स्कूल ऑफ विजुअल आर्ट्स में, तो वहाँ पे मुझे ये सब सिखाया गया था. आई हैड टू डायरेक्ट सीन्स देयर, शॉर्ट फिल्म्स देयर, तो वहाँ पे देयर वर एक्टर्स हु वर ओल्डर देन मी एंड यू नो, बट आई डिडंट नो हु दे वर, बट दे वर बिग लाइक ओल्डर देन मी. सो ऐसा कुछ वो एक प्रोफेशनल चीज़ है, मतलब सेट पे आके मैं रिलेशनशिप वो नहीं होती थी जैसे मतलब ऑफ सेट है, तो ऑब्वियसली नर्वसनेस तो बहुत थी, बट मुझे पापा ने भी यही बोला था कि यू हैव टू गो देयर एंड डू योर जॉब, यू हैव टू डायरेक्ट. तो ही वाज सो क्लियर दैट वी एक्चुअली जस्ट हैड टू पे अटेंशन टू व्हाट ही वांटेड. ही डिडंट कम विद क्वेश्चंस इन द सेंस ही वाज एक्साइटेड टू सी व्हाट वी डिड, बट जेन्युइनली ही वाज वेरी वेरी क्लियर, एज क्लियर एज आई वाज विदाउट द माइक. ही इज वेरी क्लियर अबाउट व्हाट ही वांट. या लाइक मतलब कई बार हम पूछते थे मिल गया, इसे हाँ हाँ बिल्कुल मिल गया. सो यू नो एज एन एक्टर यू आर ग्रीडी समटाइम्स दैट यू मैं ऐसे कर दूँ वैसे कर दूँ, बट इफ ही गॉट व्हाट ही वांटेड ही वाज वेरी क्लियर, ही न्यू एग्जैक्टली व्हाई ही नीडेड व्हाट ही नीडेड एंड ही वुड मूव ऑन टू द नेक्स्ट शॉट. एंड आई थिंक दैट देयर इज अ सर्टेन स्ट्रक्चर इन द वे ही मेड द फिल्म, यू नो ही वाज वेरी प्रिसाइस. इट वॉजंट कि चलो इतने सारे एक्टर्स मिले तो आप कुछ करके दिखाओ, आप कुछ करके दिखाओ. हाँ His precision of the armor that I wear in the film, he wore that armor himself for 3 days while we were doing the prep to get a sense of how it feels, how it looks, the stuff that we can put, the amount of weapons that can be put. He was all there in that sense in terms of clarity. The boots that I wear, because he went to the location, he said, you know, this is how it should be. This is how when the heist is pulled off, we need this. He was very clear. And that makes our job, I guess, easier, especially when you come into a film like this where there's so many people, the director has to be the most clear. So he was very, very clear and very specific. Yeah. And thank if I may add something to that, yes, I don't think age should matter in any case. Otherwise, actors like me wouldn't get any work. But Steven Spielberg was 26 when he made Jaws, one of the greatest films of all time, and it had three actors who were very much senior to him. So I think if the director knows his job and the actors know theirs, I don't think there should be any problem at all. And Asman may confess to being nervous, but I didn't feel that he was nervous at all. I think he was very well prepared. Thank you so much. I was very happy similarly to work with Asman. Konkana ma'am, jawab de rahi hai, ek second. I was very happy to work with Asman because actually it was very easy and very comfortable to work with him. Like they said, he was very clear about exactly what he wanted. It never felt like it was a first-time director. And also, I love working with first-time filmmakers. I feel they bring something amazing. And also, writer-directors are a great combination. And I got all of that from Asman and more. So I was very happy. Thank you. Ji, ek minute. We'll take one last question wahan se. Hi. हाय राधिका. आएगा सबको मिलेगा. विशाल जी आपसे पूछना था, आपकी कोई भी फिल्म देखो तो सब में एकदम दमदार स्टार कास्ट होती है. यस राइट. तो मतलब किस तरह से आप ये मैजिकल वाव फैक्टर वाली स्टार कास्ट एकत्रित करते हैं, क्या मंत्रा क्या, क्योंकि बहुत लोग ऐसे डायरेक्टर हैं उनको इतनी अच्छी स्टार कास्ट नहीं मिलती, पर आपकी हर एक फिल्म में बहुत ही लाजवाब स्टार कास्ट होती है, तो क्या सीक्रेट है इस बात का? सीक्रेट है तो बताना मत. आई थिंक राइटिंग या स्क्रिप्ट ही एक्साइट करती है किसी को, और ऐसा नहीं है कि अगर स्क्रिप्ट अच्छी नहीं है तो कोई एक्टर करना चाहेगा, तो स्क्रिप्ट ही एक्साइट करती है, करती होगी. हाय राधिका, राशिता यो फ्रॉम पीपिंग मून. आई वांटेड टू आस्क, व्हेन यू वर्क लाइक अ मल्टी स्टारर लाइक दिस वन विद सो मेनी अक्लेम्ड, कैन यू हियर मी? या आई कैन हियर यू. सो डज द
fear of being missed out on or being lost in the crowd ever creep in? Surprisingly, no, because you trust the director. You just have to do your job. I think it is very relative है कि आपको मेरा part ज़्यादा भी हो सकता है screen पे लेकिन अच्छा ना लगे और कम भी हो सकता है और impactful भी लगे. So मेरा काम तो मेरा part करना ही है. So I don't take that pressure कि oh I need to be seen. I just try to play my character with as much honesty as I can and leave it up to my director. Thank you so much, ladies and gentlemen. You guys were amazing. Before the final photo op, would like to invite on stage a couple of very important people.